प्रियांशी और आप देख रहे हैं जीवन 24। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दो दिन के अंदर पार्टी ने अपने 3 नेताओं को खो दिया। इस चुनावी माहौल में क्या कांग्रेस इन सभी घाटे को झेलने के लिए तैयार है? कांग्रेसी खेमे से 3 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जो भी पार्टी की हालत है, इस बात का फायदा केंद्र में बैठे हुए दिग्गज जरूर उठाएंगे और कांग्रेस पर कटाक्ष जरूर कसेंगे। आपको बता दें कि संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, 6 साल के लिए संजय सिंह को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। बुधवार को देर रात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। पार्टी ने यह हवाला दिया है कि संजय निरुपम पार्टी के खिलाफ बयान देते और अनुशासनहीनता करते आए हैं, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। एक पोस्ट के माध्यम से निरुपम ने कहा, ऐसा लगता है कि पार्टी को कल रात मेरा इस्तीफा पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला किया। ऐसी तत्परता देखकर अच्छा लगा। आपको बता दें कि कल बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं दूसरी तरफ गौरव वल्लभ ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और मैं इस तरह सनातन धर्म के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकता। और अब गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद गौरव वल्लभ ने क्या कुछ बोला, देखिए इस वीडियो में। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा और मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो करके आए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट से राहुल के खिलाफ INDIA में शामिल CPI की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया था। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। जो ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, RSS के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने नामांकन भरने के बाद कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेते हुए बीजेपी के जो भी बाकी नेता हैं उन पर ये आरोप लगाया है कि वो लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में जनता का सपोर्ट कैसे जीतेगी और क्या ये चुनाव कांग्रेस या फिर इंडिया महागठबंधन के खेमे में होगा, ये तो चुनाव के नतीजे पर ही निर्भर करता है।